बेटी बेटी है कुछ बात बड़ी किस बात पे पेड़ चढ़े हुए अभी तक भी सुबह से मामना तो बस नू नू का वजाम लगा लियो वो मिलेगा तो हमने न्याय मिलेगा न्याय तो कल क्या नहीं मिला जात को छोटी जात का बटा का न मार दंदे तो तुरते न्याय मिलता परसु की लाशनी भिजी आई मैं कि मैं नींब लग तो नहीं के मेरा 10 दिन में ठावे एक 15 दिन में ठावे इसका समाधान नहीं मारा तो रहे। अच्छा बेटे क्या कारण है इतनी बड़ी वारदात हुई कि इसका पोछा कोई पुरानी रंजिश थी या वैसे चाणचक होया? कुछ भी नहीं था। आप क्या लगो बेटे बेटा हो उसके शिषपाल जी के बड़े बेटा है छोटे बड़े बेटे क्या लगा है कि कौन था पिताजी के साथ ऐसा होया? क्या पहले भी इनके घर पे काम करने गए आपके पापा कभी पहले भी? काम क्या काम करते थे पिताजी? सब्जी बेचते थे। अच्छा बेटे जैसे कि हमने बातचीत करी है गांव वाले जितने भी और आसपास के बेंसी के गांव के भी बता रहे बहुत बढ़िया व्यक्तित्व शिषपाल जी का था, फिर बेटा ऐसा क्या होया जिस कारण छह छह गोलियां उतार दी? आपके घर से कितनी दूर वारदात हुई? आपके घर से 10 दिन पहले। क्या काम कर रहे थे आपके पापा जी? वारदात हुई क्या? कुछ ना जी लोट का ना जी वहाँ मेरा गला बात कर रहा था फोन पे फिर फोन मेरी मम्मी ने दे क्या गला दे लेगा फोन से तो मेरी मम्मी ने तो बात करी तो मैं तो बढ़िया की आवाज आई फोन में सुनी आपने? फोन में मैंने मेरी दादी बिल बिलती देखी नूपिल कम किल का वीडियो कॉल मेरी मम्मी ने काटना को नहीं आया वो नूदर की मैंने आवाज सारी। अच्छा उसमें वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो रही है फोन में? अच्छा मौका पे किसी ने देखा भी है मर्द जी? किसने देखा? बुला लो एक बार। लगभग कितने आदमी थे बेटे? 3 थे जी। 3 थे उस टाइम मौका पा जो आए कौन कौन थे? बल्लू जी जी नसीद लुआर तीनों उसी गांव के हैं। आंटी बन जब भी क्यों शामिल हो इसमें? ये बयान तो खुद भी देखा जा रहा है अपने पिताजी खुद देखा जा रहा है कुठा टेक कहां कहां गोलियां लगी है ऐसा नहीं बस गोली इसकी तो बहुत टूट रही थी आड़त है और यो या टांग टूट रही थी और वे बस देख ले सात गोली क्यों सात गोली मेरे बेटे का एक तो पेट में थी और वो पार्ली कड़ी उड़ो को सारा पेट फटा पड़ा था एक आड़ फट रहा था खोवा का सारे वो ले रखे रोड़ा रोब तक है सारे वो ले रखे उसका डीएस। आपने देखा था आंटी वारदात के बाद में? अपने मना मरता देख लिंदा था उसकी खा जिंदी में पाड़ का मैं देख लंदी तो मना देखा है तो कोनी मिलते दो लाई है सुनो वो तो मरते करता है गोली नूर सब दही लिखने क्या तो नहीं आपने अपने बेटे को देखे है? मेरा बेटा तो मना ठाया है नौकर का है सबसे पहले आपने रुतदा हाँ रुतदा ठाया मना नू मुतर पता और आंटी शुरुआत झगड़े की आप बता रहे हो मेरे से ही हुई है जैसा कि आप बता रहे हो आपको गालियां क्यों दे मैं तो सब्जी आला था बार बार के कूबे पे मैं बिल्कुल क्या उससे पहले भी आप गलत कुछ कहा सुनी हुई है? ना कुछ नहीं हुई तो ये सब के कारण हो गया बात फिर तो 4 बजे उसका गोली लग ली सात गोली लग ली सात एक उसका गया था बिलासान था पहला छनी छनी करूंगा इनका कोई बहाना कोई बेरा नहीं था मैं ऐसा बहन था तो हमारा कुण बा एक गालिया गाड़ी बन जाए। अच्छा वार्निंग आपके सामने थी है कोई खड़ा था वहाँ परिवार सारे थे जी जब वार्निंग देख गए जब उन्होंने वार्निंग दी आप वहीं पे थे मौके पे थे? आंटी गले लड़ाई हुई थी बार थे आपके साथ ही हुई थी ना जो भी कया सुनी हुई थी वो तो 11 बजे हुई थी और मेरा बच्चा का 4 बजे गोली लग गई है। क्या आपकी उस दिन से पहले 11 बजे से भी पहले इनके साथ कभी कोई बातचीत हुई है? नहीं हुई कभी काम कुम करने गए इनके खेत में? कुछ नहीं हुआ कभी नहीं गए तो हमारा बार खसिया नहीं था ये थी रामरमई थी मेरे छोरे काम भी करया कर दे उड़ा है धोखा को नहीं था ऐसा भी उसका आंटी क्या किसी दूसरे बेटे के साथ झगड़ा झुगड़ा हुआ? नहीं कोई नहीं था इसका घरवाला का तो उसका एक घर से एक रोटी थी या मेरे बेटे की पूछ छोटे की है दो महीने लगातार मार इनका जीरी लगाई है। अच्छा जी हाँ
तो मैडम इसी के बात होगी जिस कारण ये इतना बड़ा जो है दर्दनाक देख नहीं, ले कुछ भी नहीं होया कुछ बड़ा काम तो होया एक दिन का के ले हमारा क्या कोई पैसा का लेन देन पैसा देना का लेन देन नहीं हमने करते इनके साथ लेन नहीं। अब किस प्रकार की कार्रवाई की मांग आप कर रहे हो आंटी? आप माँ हो, आपने बेटा खोया है, क्या कार्रवाई की मांग करे? जनता सुन रही है, सुन लेगी, मान जाओगी मेरी? बिल्कुल, या सुनावागे? मानोगे? जी बिल्कुल। मेरा तो बेटा का मैं सोचू हूँ उसकी फांसी का हुक्म होना चाहिए, फांसी का हुक्म होना चाहिए बेटा। ठीक है, आज जेल में तभी उल्टा आ जाएगा वो तो आ जाएंगे। हम कड़ा तरक मिल जाएगा जी। क्या मैडम? तो खून का बदला खून कराएंगे। मेरे बच्चा का 7 गोली लगी इधर है जो या थी दो अच्छा ये